अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे फूल गोभी और झींगा का सूखा हुआ सिधरी का सब्जी। तो सबसे पहले तेल डाले हैं कढ़ाई में और मेथी दाना डाले हैं। अब फूल गोभी को फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, हरी आयन भुना जाएगा। देखिए हमारे गोभी भून के तैयार भुना गया है, कच्चापन निकल गया है। अब हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, फिर से तेल डालेंगे। एक चम्मच मीठी दाना डालेंगे। थोड़ा इसे लिए हैं मीठी दाना, फूल गोभी भुने थे उसमें भी डाले थे। और मसाला भुनेंगे, मसाला पीस लिए थे। लहसुन अदरक है, मिर्ची है और थोड़ा सा सरसों है, एक प्याज भी डाल के पीसे थे। एक चम्मच मिर्ची डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे और भूनेंगे इसको। बढ़िया से भून लेंगे। देखिए तेल भुना गया है, तेल निकल रहा है। अब फिर पानी डालेंगे, पानी डाल के भून लेंगे थोड़ा देर और। सही से भून लेंगे तो सब्जी बढ़िया बनेगा। देखिए भुना हुआ गोभी डाल देंगे और एक टमाटर भी साथ में डाले हैं। गोभी में डाल के मसाला और गोभी डाल के भूनेंगे, मसाला घुसेगा, नमक गोभी में और ये झींगा का सिधरी है सूखा हुआ, उसको हम भून के गर्म पानी में धो लिए थे, सारा डाल देंगे। बढ़िया से भून लेंगे, भुना गया है। और पानी डाल देंगे, थोड़ा और पानी डालेंगे, कम पानी है, थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे तो मसाला और सब्जी सारा एक साथ में पक जाएगा। देखिए हरा मिर्ची काट के डाल दिए हैं ऊपर से और ढक देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए हमारे सब्जी बनके तैयार हो गया है। देखिए कितना बढ़िया कलर है।